हाय एवरीवन, आज की रेसिपी में इजी टेस्टी गोभी राइस स्ट्रीट स्टाइल में इजी से और स्ट्रीट के टेस्ट के साथ खुला खुला राइस बनाना दिखाते हैं। इस राइस को बनाने के लिए हमने 200 ग्राम्स गोभी को लिया है और इसके अंदर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर आटा और 4 चम्मच मैदा आटे को डाल लेना है। इसके साथ ही 1/2 चम्मच मसाला और 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट को डाल लीजिएगा और इसके अंदर स्वाद के पकड़ के नमक डाल लीजिएगा। इन सारों को थोड़ा सा पानी डाल लेके मिक्स कर लेना है, बस थोड़ा से डाल लीजिएगा पानी, नहीं तो ये फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा सा पानी से मिला लेने के बाद इनको मिडिल हीट पे फ्राई कर लेना है। एक एक डालते हुए इनको मिडिल हीट पे ही फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम में कर लेते क्रिस्पी नहीं बनेंगे, क्रिस्पी बना लेने तक इसको फ्राई अच्छे तरह से कर लेना है और थोड़ा कलर आने के बाद ही इसको हलाते हुए क्रिस्पी बने तक फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो इसको लुकिंग के लिए कलर भी ऐड कर ले सकते हैं इसके अंदर, हम ऐसे ही बनाए हैं। और इनको क्रिस्पी बनने के बाद साइड पे काट लेते हैं। इसके बाद हम गोभी राइस बनाएंगे। गोभी राइस के लिए हम इसी कड़े में 1 चम्मच तेल डालिया है और 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक को चॉप करके डालिया है और 3 हरी मिर्च डालिया है। स्पाइस के लिए आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और इसके अंदर आधी प्याज को हमने कट करके डाल लिया है और ये थोड़ा सा प्याज नरम होने के बाद इस चॉप किया या 1 कैरेट और मुट्ठी भर के बीन्स को चॉप करके डाल लेते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर कैप्सिकम भी डाल ले सकते हैं और इस कैरेट बीन्स को नरम होने तक मिडिल हीट पे ही रख के फ्राई कर लेना है। इस सारे रेसिपी को हाई फ्लेम में या मिडिल फ्लेम में रख के बना लीजिएगा। और इसके अंदर 1.5 चम्मच तक हम सोया सॉस डाल लेते हैं, हमने डार्क सोया सॉस डाला है और 2 चम्मच चिली सॉस को भी डाल लेना है। और इनको भी अच्छी तरह वेजिटेबल में मिक्स कर लेने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल लेंगे ताकि इसके अंदर अच्छे तरह मिलने के लिए सारे मसाले। और इसको थोड़ा सा पकने के बाद इसके अंदर हम फ्राई करे हुए गोभी को भी डाल लेते हैं और इस गोभी को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इनमें मिक्स कर लेने से फ्राई करी है गोभी को अच्छे मसाले लगते हैं। आप क्रिस्पी चाहे तो राइस के बाद डाल लीजिएगा। और इसके अंदर हम 200 ग्राम्स राइस को डाल लिया है और इस राइस को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स कर लेने के बाद हमें इसके अंदर थोड़ा सा नमक कम था और थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं और 1/2 चम्मच काली मिर्च डाल लेना है। इन सारों को अच्छी तरह मिक्स कर लेके थोड़ा सा इसके अंदर बारीक चॉप किया हुआ हरे धनिया का पत्ते को डाल लेना है और इस हरे धनिया को पत्ते को मिक्स कर लेने के बाद परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल में गोभी राइस रेडी हो गया है। और इस तरह से गोभी राइस को बनाइए और स्ट्रीट स्टाइल का मज़ा घर पे ही उठाइए। अपने हाथों से हाइजीनिक से बनाने से इसका स्वाद ही अलग रहेगा। और खटास पसंद है तो आपको इसके अंदर थोड़ा सा नींबू रस भी डाल लेके सर्व कीजिएगा। ऐसे ही रेसिपी लिए हम चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।